ahead of Eid al-Fitr, people made purchases at garments and footwear shops amongst other essentials in Mayang Imphal Bazaar in Manipur. People were seen thronging the shop ahead of the festival on Saturday. Eid is the holy festival of Muslims. Eid al-Fitr means festival of breaking the fast. The festival is celebrated after the 30 days of fast, which is called Ramadan. A shopper, Mohammed, said that he has come to buy dresses for his children as the government has allowed shops to remain open from 6 a.m. to 2 p.m. Corona ke wajah se abhi kya chal raha hai pure Manipur mein lockdown ho raha hai iske liye pure har jagah mein pareshani hai tera aane jaane mein matlab bahut dikkat hai matlab kamane wane ka bhi abhi jagah nahi hai iske liye kharidne mein सामान वामान बहुत महंगा हो रहा है। हम जितने हुकूमत करते हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर सरकार जो दे रहे हैं हुकुम दे रहे हैं मस्जिद जो हमारे मस्जिद में आदमी मिलने का कोई इजाज़त नहीं दे रहा है। और सरकार लोग कह रहे हैं घर में तीन चार लोग ऐसे ही जो अल्लाह की इबादत करना फिर खुशी मनाना रोड में नहीं जाने के जो मना कर रहे हैं उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। Earlier, all the masjid have been already announced that no public gathering would be allowed and masjid will be stopped on the eve of Eid al-Fitr and observation and celebration were to be done at their respective home. लॉकडाउन जब आए तब से पहले ही हमारे जो मस्जिद की जो कमेटी है इन लोगों ने अच्छे बात करके मतलब मीटिंग करके इन लोगों ने बंद कर दिया मस्जिद को। हमारे लिए मतलब साल में दो मरतबा ही ईद आते हैं, इसमें हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं इसमें सब मिलजुल के हम मतलब खाते हैं पीते हैं और मुसाफा करते हैं, हम खुशी बनाते हैं। तो इस मरतबा तो हमारे क्या कहेंगे कि हमारे जो ऊपर वाला ने हमारे अल्लाह ने हमारे नसीब में ऐसा ही कर दिया कि बस अपने अलग अलग से मतलब अपने घर में करो, तुम बनाओ ईद खुशी बना लो तुम्हारे जो रिश्तेदार वगैरह इसी तरह। The coronavirus induced lockdown was first imposed in March this year to curb the spread of the deadly virus, which has so far infected over 1 lakh people in the country. These restrictions have been gradually eased since then. कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से तो अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है। अभी तो पुराना ईद में तो हम इस टाइमिंग में तो बहुत बिक्री करता है, अभी कस्टमर लोग ज़्यादा नहीं आता है। और हम आने से उसके हाथ में सैनिटाइजर देता है, उसके पास में मास्क नहीं है तो हम सामान नहीं देता है। हमको भी लॉकडाउन से का पालन करना चाहिए और हम सब मिलकर इसको कोरोना वायरस को हम फाइट करना चाहिए। वी हैविंग इश्यूज विद द सोशल डिस्टेंसिंग हियर, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट एज लास्ट ईयर एज यू नो, बिकॉज लास्ट ईयर वी कुड अर्न लॉट ऑफ मनी, बट दिस ईयर वी आर ओनली अलाउड टू ओपन फ्रॉम 6 टू 2 पीएम। फॉर श्योर इट इज अफेक्टेड टू अ वेरी बैड लेवल। लाइक आई एम जॉबलेस नाउ, आई एम हेल्पिंग माय पेरेंट्स बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज इन लॉकडाउन, एंड नॉट जस्ट मी, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर स्टक हु कांट डू एनीथिंग, सो यस इट इज अफेक्टिंग अ लॉट टू अस। So far, Manipur reported 32 cases of coronavirus positive case, with 2 cured and discharged. India will celebrate Eid on Monday, 25 May, as the moon could not be sighted on Saturday. However, the festival heralding the end of the fasting month of Ramadan was celebrated across Jammu and Kashmir and Kerala on Sunday. Bureau report.